हेलो दोस्तों मोनोट्रेल अकेडमी में आपका स्वागत है तो आज की जो हमारी वीडियो है हम बनाने वाले हैं सेंट्रीफ्यूज ठीक है तो सेंट्रीफ्यूज जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके अंदर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंट्रीफ्यूज के बारे में बताऊंगी उसका प्रिंसिपल बताऊंगी किस बेस्ड पे वो जो सेंट्रीफ्यूज है वो वॉक करता है और उसका प्रोसीजर क्या है एंड क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी है तो वीडियो का एंड तक देखिएगा आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा सेंट्रीफ्यूज का तो सेंट्रीफ्यूज क्या है सेंट्रीफ्यूज इज़ अ मशीन डिवाइस यूज फॉर दी सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन सो बेसिकली क्या है जो हमारा मान लीजिए कि आपने कोई ब्लड कलेक्शन किया ठीक है आपके पास ट्यूब है सीरम सेपरेटर ट्यूब है ठीक है आप उससे क्या करेंगे आपको सेडिमेंट करना है आर एंड आपको सीरम चाहिए तो आप क्या करेंगे आप सेंट्रीफ्यूज लेंगे सेंट्रीफ्यूज में क्या करेंगे आप उसको रोटेट करवाएंगे रोटेट करने से क्या होगा जो आर होंगी जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो जो हाँ उसमें एस ट्यूब में एक जेल होती है सिलिका जेल होती है उसके नीचे आपके रेड ब्लड सेल्स आ जाएंगे एंड ऊपर क्या आपका सीरम आ जाएगा तो आपको टेस्टिंग के लिए सीरम आपको मिल जाएगा सो डिपेंडिंग ऑन दिस स्पीड एंड यूज सेंट्रफ्यूज़ आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स सो so, क्या होता है स्पीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंट्रीफ्यूज़ होते हैं ठीक है सो so, क्या है जो क्लिनिकली अगर आप यूरिन करते हैं यूरिन सैम्पल को प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए क्या है कम स्पीड वाली सेंट्रीफ्यूज की जरूरत होती है अगर आप हाई स्पीड वाली सेंट्रीफ्यूज़ को यूज़ करते हैं तो आपको ब्लड सेपरेटिंग में वो हेल्प करता है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज हमारा ब्लड बैंक में भी यूज़ होता है जो कलेक्शन uh, बैग्स होती हैं उसको सेंट्रीफ्यूज करने के लिए सो so, सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनरी सेंट्रीफ्यूज़ ऑर्डिनरी सेंट्रीफ्यूज के अंदर हमारा दे आर मोस्टली टेबल टॉप एंड बेंच टॉप फ्लोर टॉप ये क्या होते हैं जो ऑर्डररी सेंट्रीफ्यूज होते हैं इसे हम टेबल टॉप पे भी रख सकते हैं बेंच टॉप पे भी रख सकते हैं और फ्लोर पे भी रख सकते हैं ठीक है स्पीड ऑफ ऑर्डनरी सेंट्रीफ्यूज इज टू थाउजेंड आरपीएम टू फाइव थाउजेंड आरपीएम स्पीड कितनी होती है इसकी टू थाउजेंड आरपीएम से फाइव थाउजेंड आरपीएम के बीच में होते हैं ऑर्डररी सेंट्रीफ्यूज की स्पीड दीज आर यूज फॉर सेपरेशन ऑफ प्रिसिपिटेट सिरम एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूड सो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स जैसे जैसे आर पी एम बढ़ेगा उसकी जो ब्लड सेपरेशन या फिर यूरिन सेपरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग होगी सो so, टू थाउजेंड से फाइव थाउजेंड आरपीएम में हम सिर्फ सिरम जो है सिरम और अदर बॉडी फ्लूड को सेपरेट कर सकते हैं उसके प्रिसिपिटेट को सेपरेट कर सकते हैं हाई स्पीड सेंटरफ्यूज दे कैन अटैंड अ स्पीड ऑफ टेन थाउजेंड आरपीएम टू ट्वेंटी थाउजेंड आर पी एम ठीक है इसमें कितना है uh, टेन थाउजेंड आर पी एम ट्वेंटी थाउजेंड आर पी ए आर मोस्टली यूज इन ब्लड बैंक और रिसर्च लैबोरेटरी दे आर मोस्टली फ्लोर टॉप ये जो हायर स्पीड सेंट्रीफ्यूज़ होते हैं ये बेसिकली फ्लोर पर रखे जाते हैं और इसमें क्या होगा जो ब्लड बैंक में जो बैक्स होते हैं उसको सेंट्रीफ्यूज़ करने में हेल्प होती है दे कैन वॉक एट वायबल टेम्परेचर इवन एट कोल्ड टेम्परेचर और लेस देन रूम टेम्परेचर दल्ड रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज़ ये क्या करता है वायबल टेम्परेचर पर भी वॉक करता है एंड ये कोल्ड टेम्परेचर पर रहता है लेस टेम्परेचर पर भी हो सकता है और रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज़ भी इसको कहा जाता है अल्ट्रासफ्यूज अल्ट्रासफ्यूज दे कैन अटैंड अ स्पीड ऑफ़ सेवेंटी थाउजेंड आर पी एम टू नाइन्टी थाउजेंड आर पी एम दे आर मोस्टली यूज इन सेपरेशन ऑफ पॉलीमर कंपाउंड जो पॉलीमर्स कंपाउंडस होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए अल्ट्रा सेंटरफ्यूज का यूज़ किया जाता है सो so फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे ऑर्डिनरी हाई स्पीड अल्ट्रा सेंट्रफ्यूज के बारे में बताया उसका प्रिंसिपल बताऊँगी वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन विद एन एंगुलर वॉलिसिटी ओमेगा इज सब्जेक्टेड टू ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ एक्टिंग इन आउट वट डायरेक्शन सो क्या होगा फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूज मूव करता है वो किस तरह मूव करता है यहां पर सर्कल है और ये इस तरह से मूव करेगा ऐसे ठीक है राउंड राउंड वॉम में यहाँ पर ये क्या होते हैं यहाँ पे ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और ये यू यू मूव करता है ठीक है तो ये जो सेंट्रीफ्यूज़ है बेसिकली क्या है सर्कुलर मोशन में वर्क करता है इसकी वेलोसिटी उसकी ओमेगा में होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम एफ नोटेड करते हैं एंड इसका जो और ये हेल्प करता है टैफ हायर पार्टिकल्स टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी जैसे आप जानते हैं कि जो हैवी पार्टिकल्स होंगे उस सैंपल में उस ट्यूब में उस फ्लूड में वो क्या होगा सेडिमेंट हो जाएगा और जो हमें टॉप फ्लोर मिलेगा जो टॉप पे मिलेगा वो हमें उसका जो वेट होगा काफ़ी लेस होगा ठीक है तो क्या है जो सीरम और आर में से जो सीरम है उसका जो वेट है वो काफ़ी कम है एंड लो डेंसिटी है उसकी और जो हायर डेंसिटी है रेड ब्लड सेल की वो क्या होगा वो सेडिमेंट हो जाएगा सो so, क्या है मैंने यहाँ पे एक फार्मूला बनाया है यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है आप देख सकते हैं एफ इजकल टू ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स एफ क्या है फोर्स है ओमेगा है ये और आर क्या है रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन देंट्रफ्यूज फोर्स इज डिपेंड ऑन रेडियस तो जो सेंट्रफ्यूज फोर्स है किस पर डिपेंड है रेडियस पर डिपेंडेंट है ऑफ रेवोल्यूशन आर एंड ई एंगुलर वैलोसिटी इन आर पी एम अपार्ट फ्रॉम दिस टू टाइम्स ऑफ सेंट्रफ्यूगेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर सो बेसिकली क्या है जो हमारा टू टाइम्स सेंट्रफ्यूगेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तो फ्रेंड्स प्रोसीजर क्या है हमारे सेंट्रीफ्यूज़ का सबसे पहले हम क्या करते हैं स्विच ऑन करते हैं सेंट्रीफ्यूज़ का सेंटर फ्यूज़ का आपने स्विच ऑन किया दैंपल टू बी सेंटर फ्यूज इज टेकन इन सेंटर फ्यूज ट्यूब एंड आर प्लेस अपोजिट टू ईच इधर इधर अगर आप सेंट्रीफ्यूज़ फ्यूज में सैंपल डाल रहे हैं सपोज कीजिए आपका सेंट्रीफ्यूज़ फ्यूज़ है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ठीक है तो आप क्या करेंगे बिल्कुल इसके आमने सामने ट्यूब्स रखेंगे अगर आपने एक ट्यूब यहाँ प्लेस किया तो आपको एक ट्यूब यहाँ प्लेस करनी है अगर आपने यहाँ प्लेस किया है तो यहाँ प्लेस करनी है ठीक है आप कभी भी एक ट्यूब एक जगह प्लेस नहीं कर सकते दूसरी साइड खाली नहीं रखनी है आपको नहीं तो क्या होगा अनबैलेंस हो जाएगा सेंट्रफ्यूज ट्यूब आर फिल्ड दी थ्री टू फोर पोर्शन ऑफ ट्यूब यानी जो सेंट्रफ्यूगल ट्यूब जो होती है इसके अंदर जो सिल्वर की बकेट होती है वो थ्री टू फोर पार्ट भरी होनी चाहिए लीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज क्लोज अब क्या करेंगे जो सेंट्रीफ्यूज की लीड है उसको क्लोज करेंगे स्पीड इज स्लोली इंक्रीज स्विच ऑन कर देंगे और स्पीड क्या होगी स्लोली स्लोली इंक्रीज होगी आरपीएम स्लोली स्लोली बढ़ेगा ठीक है और जितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी उतने तक वो फिक्स होगा और उतना ही चलेगा वैन द टाइम इज ओवर देंटरफ्यूज स्टॉप इज इट सेल्फ स्लोली वैन इट इज़ कम्प्लीटली स्टॉप लीड ओपन एंड सैंपल आर टेकन आउट जैसे ही जितने टाइम तक आपने सेंटर फ्यूज को सेट किया है उतने टाइम तक चलेगी एंड दैन वो स्टॉप हो जाएगी फिर आपको क्या करना है लीड को ओपन करना है ठीक है लीड को ओपन करने के बाद सैम्पल आप निकाल लेंगे अब फ्रेंड्स प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है आपको सेंटर फ्यूज के अंदर सेंटर फ्यूज के अंदर प्रिकॉशंस रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ना बहुत ही ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं बहुत यहाँ पर हम लैब के अंदर आप वर्क करते हैं तो सेंट्री फ्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है तो इसमें क्या क्या, -क्या? प्रिकॉशंस रखने जरूरी है मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं फ्रेंड्स इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं सो प्रकॉशंस क्या है सेंट्री फ्यूज शुड बी प्लेस्ड ऑन रबर मैट अगर आप मैंने ऐसा क्यों लिखा फ्रेंड्स जो सेंट्र फ्यूज़ है उसको रबर मैट पर ही प्लेस करना चाहिए बिकॉज सेंट्रीफ्यूज वाइब्रेट करता है सेंट्रीफ्यूज जब वाइब्रेट करता है जो फिसलने वाली फर्श होती है वहां पर वो फिसल सकता है ठीक है तो रबर मैट का जो फर्श होता है वहां पर वो मूव नहीं कर पाता जिसकी वजह से क्या होता है उसमें वहां पर उसकी ग्रिप बनी रहती है ठीक है दिस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब शुड नेवर बी फुली फ़िल्ड सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को थ्री टू फोर पार्ट फिल करना है पूरा फुल नहीं करना नहीं तो क्या होगा वो ब्रोकन होने के चांसेस उसके रहेंगे द सेंट्रीफ्यूज शुड बी इक्वली बैलेंस्ड बाय प्लेसिंग इन द सेंट्रीफ्यूज जब आप ट्यूब को प्लेस करते हैं सेंट्रीफ्यूज के अंदर तो वो इक्वली बैलेंस होना चाहिए जहाँ अगर आप यहाँ ट्यूब रख रहे हैं तो उसके सामने एक ट्यूब होनी चाहिए ठीक है इक्वल बैलेंस अगर ये पाँच ग्राम का है तो वो भी पाँच ग्राम का होना चाहिए बिफोर प्लेसिंग सेंट्र फ्यूज द मेटल बकेट ऑफ द होल्स शुड बी क्रैक्ड फॉर एनी डी डेबरिज ब्रोकन पार्ट ऑफ द ग्लास तो ग्लास ट्यूब्स सो बेसिकली क्या है जब आप सेंटरफ्यूज़ के अंदर उसका बकेट प्लेस करेंगे ठीक है उसका जो आपका स्टील बकेट होगा मेटल बकेट होगा वो आप प्लेस करेंगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसके होल में कोई भी ब्रोकन ग्लास तो नहीं है अगर कोई ब्रोकन ग्लास हुआ तो बाद में कोई भी आ, केस कॉज हो सकता है ठीक है तो क्रैक क्रैक सेंट्रीफ्यूज शुड नेवर बी यूज़ मतलब आप क्या करेंगे क्रैक सेंट्रीफ्यूज होगा कहीं से टूटा है कहीं कुछ हो गया है कहीं क्रैक हो गया है वो वर्क नहीं करा तो आपको वो यूज़ नहीं करना है इससे आपको ख़तरा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है ठीक है सो बेसिकली फ्रेंड सेंट्रीफ्यूज के अंदर हमारा इतना ही था सेंट्रीफ्यूज अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए ठीक है ताकि न्यू वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे अगर फ्रेंड्स आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डनरी सेंटरफ्यूज़ के भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा क्योंकि ऑर्डनरी सेंटरफ्यूज़ इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है इन ऑर्डनरी सेंटरफ्यूज़ अगर आपको पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं मैं उस पर वीडियोज़ प्रोवाइड कर दूंगी ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में